बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चला हमारे देश में मीडिया के अंदर, क्योंकि बीजेपी की करारी हार हुई है बंगाल के अंदर, केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। केरल में तो वो अभी एक भी सीट नहीं जीत पाई है और बंगाल में वही वो 3 सीटों से जरूर वो 75-80 सीटों के करीब आ गई है, एक अच्छा सीट हासिल करी है बीजेपी ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से सरकार बनाई है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो कि पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आ गए और फिर वो चुनाव लड़े किसके अगेंस्ट, ममता बनर्जी के अगेंस्ट, नंदीग्राम सीट से, जो सीट सबसे हाई वोल्टेज सीट मानी जा रही थी बंगाल की, जहां पर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन सुबह 4-5 बजे एक खबर आ रही थी दोपहर शाम के टाइम की, नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी जीत चुकी है। लेकिन अब एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है और उन्होंने जो हार है वो एक्सेप्ट भी कर ली है नंदीग्राम सीट से। हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी जिन्होंने पूरा बंगाल जीत लिया लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाई नंदीग्राम, वहां से वो चुनाव हार गई है। बंगाल जीतने के बावजूद भी नंदीग्राम सीट हारी है ममता बनर्जी। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके फटाफट अपनी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।